हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2021 की एक्शन ड्रामा फिल्म सूर्यवंशी का, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ। इस फिल्म की कहानी डीसीपी वीर सूर्यवंशी की लाइफ को पूरी तरह से फॉलो करती हुई नजर आती है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार, जो इंडिया के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ है। तो अब उनके पास एक टास्क आया हुआ है, जहाँ पे मुंबई में एक सबसे बड़ा बम ब्लास्ट होने वाला है, जो अभी तक दुनिया की हिस्ट्री में जितने भी बम ब्लास्ट हुए, जितने भी टेरर अटैक हुए, उनसे सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अब इस बम ब्लास्ट को किस तरह से डीसीपी वीर सूर्यवंशी रोकते, यही बात फिल्म की कहानी बनाती है। तो फिल्म के डायरेक्टर यानी कि रोहित शेट्टी, जिन्होंने इस फिल्म के थ्रू एक परफेक्ट कॉप यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे पहले सिंघम सीरीज आई, उसके बाद सिम्बा फिल्म आई और अब ये सूर्यवंशी। तो अब इस कॉप यूनिवर्स की जो डाई हार्ड फैंस है, इनसे जो एक्सपेक्ट करते, वही सेम चीज़ रोहित शेट्टी ने डिलीवर की हुई है। उनकी फिल्मों में जो एटीट्यूड होता है, स्टाइल होता है, जो शोमैनशिप होती है, जिसकी वजह से मसाला ऑडियंस को ये फिल्म ज़रूर अट्रैक्ट करेगी। तो फिल्म की स्टोरी के ऊपर बात करें तो पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है, आपने कई फिल्मों में देखी होगी। इसके अलावा सिम्बा फिल्म की तरह ही इस फिल्म में अजय देवगन फिल्म की स्टार्टिंग में नरेट करते हुए नजर आएंगे, जहां पे मुंबई के ऊपर जितने भी टेरर अटैक हुए उनके ऊपर वो बात करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद डीसीपी वीर सूर्यवंशी की एक ग्रैंड एंट्री दिखाई जाती है। इसके अलावा रोहित शेट्टी ने जिस तरह से सभी एक्शन सिक्वेंस को दिखाया हुआ है, वो काबिले तारीफ है। उन सभी एक्शन सिक्वेंस को देखते समय हमें आसानी से महसूस होता है कि ये सभी एक्शन सिक्वेंस काफी रिस्की है। इसके अलावा रोहित शेट्टी ने एक चेस सिक्वेंस दिखाया हुआ है वी सूर्यवंशी और जोन के बीच में, जोन का रोल प्ले करे सिकंदर खेर, तो उनके बीच में बैंकॉक की स्ट्रीट के ऊपर जो एक चेस सीक्वेंस दिखाया हुआ है, वो एक विजुअली ट्रीट दी हुई है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो कैमरा वर्क काफी परफेक्ट नजर आएगा। जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस को हमारे सामने पेश किया हुआ है कवर करके, वो बढ़िया था। फिल्म का कैमरा वर्क आपको एक विजुअली बेहतरीन ट्रीट देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गाने तो वैसे ही सभी रीमेक नजर आ रहे थे, जहाँ पे नाजा वाला गाना काफी बेकार तरीके से रिक्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा टिप टिप बरसा वाला जो गाना था, उसको बढ़िया तरीके से भी पिक्चराइज किया हुआ है, और साथ ही में जो आइला रे आइला वाला गाना था, उसको भी अच्छी तरह से हमारे सामने दिखाया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो अक्षय कुमार के लिए जो बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, वो बढ़िया था, फिल्म को और बेहतर बना रहा था। कुछ ऐसे सिक्वेंस देखने को मिलते वहाँ पे उस बैकग्राउंड स्कोर की वजह से, उस एक्शन सिक्वेंस में रोमांच और बढ़ जाता है। एडिटिंग की बात करें, फिल्म को छोटा किया जा सकता था, खास करके फिल्म के फर्स्ट हाफ को। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर यानी कि अक्षय कुमार, जो डीसीपी वी सूर्यवंशी का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने इस कैरेक्टर को काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है, एक सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। उनकी एंट्री इतनी बढ़िया थी जिसमें आपको सीटी मारने का दिल कर जाएगा। जिस तरह से वीर सूर्यवंशी के एक्शन सिक्वेंस दिखाए हुए, वो काफी रिस्की नजर आ रहे थे, हेलीकॉप्टर वाला शॉट, इसके अलावा कई ऐसे सिक्वेंस है, उसको काफी रिस्की वे में क्रिएट किया हुआ है। उन सभी एक्शन सिक्वेंस में अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस दमदार नजर आ रहा था। इसके अलावा बात कर फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि कैटरीना कैफ, उनको वैसे तो उतना कुछ खास रोल नहीं मिला था, लेकिन टिप टिप बरसा वाला जो गाना था, उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो काबिले तारीफ थी, वो आसानी से आपको अट्रैक्ट कर लेगी। इसके अलावा बात करें फिल्म के जो कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलते हैं अजय देवगन और रणवीर सिंह के, वो आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलते हैं। और सेकंड हाफ में कुछ ऐसी जगह थी, कुछ ऐसे सीक्वेंस थे, जहाँ पे अजय देवगन, रणवीर सिंह और साथ ही में अक्षय कुमार तीनों स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आते, वो फिल्म के सेकंड हाफ को और बेहतर तरीके से एलिवेट करता हुआ नजर आता है। उसके बाद कुछ ऐसी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे जेकी श्रॉफ जो एक टेररिस्ट गैंग के लीडर दिखाए गए। इसके अलावा कुछ ग्रुप मेंबर देखने को मिलते, जैसे कि गुलशन ग्रोवर, अभिमन्यु सिंह, कुमुद मिश्रा, निकितन धीर, उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म की स्टोरी, फिल्म के प्लॉट के हिसाब से जो रोल मिला था, उसको बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इसके अलावा आपको 80s हेड कबीर श्रॉफ वाला कैरेक्टर देखने को मिला होगा, जो एक सीरियस कॉप दिखाया हुआ है, उस कैरेक्टर को जावेद जाफरी ने बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है। तो मैं 2021 की एक्शन ड्रामा फिल्म सूर्यवंशी को 6/10 की रेटिंग देता हूँ। कुल मिला के बात कर तो फिल्म में आपको कुछ नया ऑफर नहीं होगा, लेकिन इस कॉप यूनिवर्स के लिए काफी बड़ा फैन बेस क्रिएट हुआ है, काफी डाई हार्ड फैंस देखने को मिलते हैं, उनके लिए ये फिल्म ट्रीट है। दिवाली के मौके पर ये फिल्म आपको जरूर एंटरटेन कर जाएगी। तो अगर आप मसाला फिल्म देखना पसंद करते हो तो एक बार इस फिल्म को जरूर देख सकते हो। तो बस गाइस, आज के रिव्यू में इतना ही था। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने ये फिल्म देख ली तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो और भी ऐसी नई मूवी के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।